आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, एक्सप्लेन द टर्म्स रिवर्सिबल रिएक्शन एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था, अब उसको डिस्कस करेंगे और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट उसके ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ दो तीन एग्जाम्पल्स भी मैंशन कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4B है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन। यानी कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, के लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए जो स्टेटमेंट थी वो लिखनी है, आपने उसके रिलेटेड जो एक्सप्रेशन थे वो लिखने हैं। डेरिवेशन आप प्रॉपर लिख सकते हैं, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप दो तीन एग्जाम्पल्स मैंशन कर दें और उनसे रिलेटेड जो केसी के एक्सप्रेशन है वो लिख दें, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4B के बाद क्वेश्चन नंबर 4C डिस्कस कर लेते हैं, राइट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने सिंपल स्टूडेंट्स क्या करना है, केसी की वैल्यूज लिखनी है। मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस है, मैं दो या तीन को डिस्कस कर लेती हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली आपने बाकी तमाम के लिए केसी एक्सप्रेशंस लिखने हैं। और आई होप स्टूडेंट्स के आपकी कंसेप्चुअल वीडियोस के थ्रू काफी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस हो चुकी होगी। केसी की वैल्यू आपने लिखनी है नंबर 1 के लिए, SN सबसे पहले आपने मेंशन कर दिया प्रोडक्ट को, न्यूमरेटर में आयरन 2 पॉजिटिव है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 Fe। ये तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जो जिसके लिए आप केसी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है यहाँ पे अमोनिया से रिलेटेड एक रिएक्शन है, नंबर 4 है, बाकी आपके पास वही सिंपल आ जाते हैं। नंबर 4 है आपके पास के NO, अब 4 नंबर ऑफ मोल्स है इसके, तो उनको आपने इधर रिप्रेजेंट कर देना है, 4 6H2O होल 6 डिवाइडेड बाय NH3 4, देन O2 4 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 के लिए भी बिल्कुल आपने एक्जैक्टली ऐसे ही मेंशन करना है, प्रोडक्ट्स को आपने न्यूमरेटर में और जो रिएक्टेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। नंबर 3 के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो NO होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन into molar concentration of oxygen। So students, having said that, हम expressions इस तरह से mention कर सकते हैं, तो आपकी ये जो केसी expressions हैं ये justify हो जाते हैं। आगे चलते हैं students, question number 4 हमने complete discuss कर लिया, अब हम आगे चलते हैं question number 5 discuss कर लेते हैं। question number 5 का part A है, reversible reactions attain the position of equilibrium which is dynamic in nature and not static। अब ये dynamic क्यों है, static क्यों नहीं है, इसको आपने explain कर देना है कि equilibrium state पे क्या होता है कि reaction कभी भी stop नहीं होता। क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक हद तक आपके पास इक्वल हो जाते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि रिएक्शन आपके पास स्टॉप हो गया, बल्कि वो चल रहा है एक पेस के साथ और दोनों रेट्स यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। दैट इज वाई आप उसको डायनेमिक कहते हैं, स्टैटिक नहीं कहते, क्योंकि आपके पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इसी को आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी है, वाई डू द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम स्टेज। अब फॉरवर्ड रिएक्शन आपका उस वक्त तेज होता है जब आपके पास अभी रिएक्शन अपनी इनिशियल स्टेजेस में होता है, यानी कि आपके पास जल्दी जल्दी जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट अकुमुलेट करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम आपके पास रिएक्शन काफी फास्ट होता है। जैसे इक्विलिब्रियम आपके पास पोजीशन आने लगती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आने लगती है, तो क्या होता है आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन जो होते हैं वो काफी हद तक स्लो हो जाते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज मैक्सिमम, दस नीदर द रिवर्स नॉट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मैसेस, द एक्टिव मैस रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर। क्योंकि यानी कि आपने इन्हीं ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए इन्हीं को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑन वाई एक्सिस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, द कर्व बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि स्टूडेंट्स हमने जो अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि पैरेलल हो जाते हैं कर्व्स एट सर्टन एक्सिस, तो आपने बताना है कि किस स्टेज पे ये कर्व्स पैरेलल होते हैं। आपने बताना है कि बिफोर के आपके पास कर्व्स पैरेलल हो रहे हैं, स्टीपनेस क्यों फॉल करती है उसके लिए आपने रीजन बताना है। देन पार्ट सी है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्ट and rate of increase of concentration of any of the product may or may not be equal for various type of reaction before the equilibrium time, explain it। अब आपने A को डिस्कस किया कि कर्व्स आपके पास तब पैरेलल होते हैं जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाती है, ये तो हो गया A। B आपके पास है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम स्लो ड्यू टू द डिक्रीज इन देयर एक्टिव मैसेज, यानी कि बेसिकली आपसे ये बात की जा रही है कि दोनों रिएक्शंस आपके पास एक खास टाइम के ऊपर क्या होते हैं,
आपके पास एक जो है ना वो पैरेलल हो जाते हैं, तो आपने उस चीज को डिस्कस करना है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड इन द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज रैपिडली ड्यू टू दिस. आपके पास क्योंकि कंसंट्रेशन स्टीप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही होती है, दैट इज वाई आपके पास ये ज्यादा स्टीपनेस शो कर रहे होते हैं. फिर सी है कि डिफरेंट रिएक्शन की डिफरेंट वैल्यूज होती है केसी की. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंड इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल वेन द नंबर ऑफ मोल्स. अब आपके पास क्या है कि डिक्रीज, उन्होंने कहा डिक्रीज या इंक्रीज जो होता है कंसंट्रेशन के अंदर वो सेम नहीं होता तमाम रिएक्शंस के अंदर. तो उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केसी की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है. सिर्फ आपके पास रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आपके पास दोनों वैल्यूज तब मैच कर रही होती हैं जब नंबर ऑफ मोल्स एट द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेम होते हैं. बट व्हेन दे बिगेन टू वेरी देन द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. चेंजेस इन एक्सटर्नल आपके पास जो फैक्टर्स हैं मे अफेक्ट द चेंजेस, जिनको हमने ली शैटर प्रिंसिपल में डिस्कस किया था. यानी कि स्टूडेंट्स आपने यूं रीजंस इसकी मेंशन कर देनी है. देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7A को डिस्कस कर लेते हैं. राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. आपने केसी और केपी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस कर लेना है. तो स्टूडेंट्स हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर किया, हमने मोल फ्रैक्शन से भी इसको रिलेट किया, प्रेशर से भी रिलेट किया, पार्शियल प्रेशर से भी रिलेट किया. तो आप वही एक्सप्रेशन जो है उसको आप मेंशन कर देंगे जो स्पेसिफिकली केसी और केपी के लिए है, और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है, डिसाइड द कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ केसी एंड केपी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस. आपने मैग्नीट्यूड बताना है केसी का और केपी का कि किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी कम है. अमोनिया सिंथेसिस के लिए डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या है कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लेना है. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसको आपने वैल्यूज में पुट किया, देन आपको पता चलेगा कि केपी की वैल्यू जो है वो केसी से ज्यादा है. डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल 5 जब करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन उसकी इक्वेशन लिखेंगे, देन आपने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन आपने कैलकुलेट करना है कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से आपने माइनस कर देने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है केसी की वैल्यू ज्यादा होगी केपी से. देन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8A है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. राइट डाउन द केसी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन. सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन ऑल केसेस इज वी डेसीमीटर क्यूब एट इक्विलिब्रियम स्टेज. तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एग्जैक्ट आपके पास इन हेडिंग्स के साथ इनकी जो वी डेसीमीटर क्यूब या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो इनके एक्सप्रेशन है वो गिवन है, उन्हीं को आपने इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8B. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट सम ऑफ द रिएक्शंस मेंशन अबव आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम. के चेंज ऑफ वॉल्यूम से आपके पास किस तरह से चीजें अफेक्ट हो रही हैं. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए आपने केसी की वैल्यू मेंशन कर देनी. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट केसी डिपेंड नहीं कर रहा वॉल्यूम के साथ. यानी कि जब आप फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए लिखते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो दोनों साइड्स पे इक्वल है, दैट इज वाई आपके पास जो केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन के ऊपर. इसका मतलब यह कि इक्विलिब्रियम वॉल्यूम के चेंज होने से अफेक्ट नहीं हो रहा. तो सिंपल सा आंसर है इसका. देन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो यहां पे भी केसी डिपेंड नहीं कर रहा वॉल्यूम के ऊपर. इट मींस दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम चेंजेस. देन आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाता है. यहां पे भी सेम वही बात आ जाती है जो हमने डिस्कस की फर्दर रिएक्शंस के लिए. देन डीकंपोजिशन के लिए जब आप बात करें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि वन वॉल्यूम रिएक्टेंट आपके पास एक साइड पे. इसका मतलब यह है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम विल गो टू द रिवर्स डायरेक्शन. देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए भी वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, तो वॉल्यूम विल गो आपके पास इक्वेशन में वॉल्यूम क्या है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि 4 वॉल्यूम्स रिएक्टेंट की साइड पे हैं और 2 वॉल्यूम्स आपके पास क्या है प्रोडक्ट की साइड में. यानी कि आपने डिपेंडेंसी बतानी है वॉल्यूम के ऊपर है या नहीं, वो आपने एक्सप्रेशन के थ्रू एनालाइज कर लेनी है. देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं. आपने बताना है कि आपने बतानी है टू एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल्स. एक तो स्टूडेंट्स आपने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस कर लेना है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. डायरेक्शन के लिए आपने डिस्कस कर लेना है जैसे हमने किया. देन स्टूडेंट्स आपने एक्सटेंट के आपके पास कैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चलती है केसी की वैल्यू से. इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट है. अगर बहुत स्मॉल है तो इट मींस कि आपके पास रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लोली प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रहा. अगर बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इट मींस कि आपका रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा है. तो यानी कि आपने इनकी एप्लीकेशंस को जस्ट डिस्कस कर लेना है.
देन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपने रीजंस के साथ जस्टिफाई करनी है कुछ स्टेटमेंट्स. द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम ऑफ द गैसियस फेज रिएक्शंस बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है चेंज इन वॉल्यूम की वजह से, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता. द चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टर्ब्स बोथ द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है, वन बाय वन देख लेते हैं कि वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल. चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर जो होते हैं वही सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शंस में. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट ली शटर प्रिंसिपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. यानी कि आपने ली शटर प्रिंसिपल को मेंशन कर देना है. आप चाहें तो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास बी पार्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि द चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली डिस्टर्ब्स. चेंज इन टेम्परेचर आपके पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हमेशा डिस्टर्ब करेगा, केसी की वैल्यू चेंज करेगा. इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेज देन हीट वुड बी एडेड टू द सिस्टम. टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हीट एड होगी, डिक्रीज हो रहा है तो इट विल रिमूव द हीट फ्रॉम द सिस्टम. ली शटर प्रिंसिपल इसको कैसे डिस्कस करना है, आपने वो चीज इसमें एड कर देनी है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कर रहा होता है. इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हैं. सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर की बात करनी है तो वो इंक्रीज होती है इन वाटर विद राइजिंग टेम्परेचर. सॉलिड कंपाउंड सेम बिहेवियर शो करते हैं. फिर आपने बता देना है इसमें कि सॉल्वेशन कैसे होती है और सारा कुछ. द इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मल रिएक्शन. आपने बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज वाई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. टेम्परेचर विल इंक्रीज द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप जो सॉल्युबिलिटी ग्राफ है सॉल्ट और शुगर का उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए. आपने बताना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होती है और हाउ डज दिस वैल्यू वेरी विद चेंज इन टेम्परेचर. इज इट ट्रू दैट इट्स वैल्यू इंक्रीजेस 75 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज. आपने बस जस्टिफाई करना है यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको एक्सप्लेन कर देना है. यहाँ पे हमने जस्टिफाई करना है कि 75 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज होती है यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि आपने क्या करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो आपके पास KW की वैल्यू भी चेंज होगी डेफिनेटली. 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है स्टूडेंट्स. 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या वैल्यू होगी 0.1 × 10⁻¹⁴ होगी. 100 पे क्या होगी वो मेंशन कर देंगे. डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 75 टाइम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास KW की वैल्यू ज्यादा होती है. देन क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट भी है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द इंक्रीज ऑफ आयनिक प्रोडक्ट विद टेम्परेचर. अब जस्टिफाई आपने करना है कि कैसे आयनिक प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड है या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट इज बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द आयनाइजेशन. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है आयनाइजेशन जो होती है वाटर की वो ज्यादा होती चली जाती है. दस मोर हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, हेंस वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस. इतना आपके पास KW की वैल्यू इंक्रीज होती है. यानी कि आपने इस तरह से फैक्टर्स डिस्कस करके क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. हाउ वुड यू प्रूव दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कंटेन 10⁻⁷ मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स एंड 10⁻⁷ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स. तो स्टूडेंट्स आपने इसमें सिंपल जो डेरिवेशन इसके लिए की थी मेंशन की थी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उसको आप मेंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स आपके पास है, डिफाइन पीएच एंड पीओएच हाउ दे आर रिलेटेड टू पीकेडब्ल्यू. पीएच और पीओएच को डिफाइन कर लेना है आपने, उसके बाद आपने उसको पीकेडब्ल्यू से रिलेट कर देना है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर. देन आपने इसको जब माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं और उनको आपने रिलेट कर देना है आपस में. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट हैपेंस टू द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन व्हेन पीएच वेरीज फ्रॉम 0 टू 14. 0 टू 6 एसिडिक प्रॉपर्टी आपके पास बढ़ती है, 8 टू 14 बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है. पीएच 7 न्यूट्रल होता है क्योंकि उसकी कोई एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स कंसंट्रेशन होती है वो इस लेवल पे 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 पे सेम होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी है, इज इट ट्रू दैट सम ऑफ पीके ए एंड पीके बी इज ऑलवेज इक्वल टू 14. उसके लिए भी स्टूडेंट्स वही डेरिवेशन आपने कर देनी है.
at all temperatures for any acid? If not, why? Sum of pK and pKb when the temperature changes from 25 degree Celsius, the value of pKw is and less at high temperature. यानी कि pKw की वैल्यू फिर कम हो जाती है हाई टेम्परेचर पे क्योंकि डिसोसिएशन आपके पास ज्यादा होने लगती है. वाइल चेंज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग वैल्यू, जरा सी वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो चेंज होती जाएगी, एज यू नो हमने पहले भी डिस्कस किया. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं, पार्ट ए देख लेते हैं. सबसे पहले सिंपल आपने क्या करना है, व्हाट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड आइडिया ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस. आपने क्या करना है, सिंपल डिफाइन कर लेना तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा. रिलेशनशिप भी आप बता सकते हैं इसमें, आपके पास जो एसिड्स और बेसिस के लिए आ जाते हैं उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13b, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड गिव्स प्रोटॉन टू वाटर एज यू नो, बट व्हेन डिसॉल्व इन H2SO4 इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन. क्यों? क्योंकि वो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेस के तौर पर एक्ट करेगा. डिस्कस द रोल ऑफ एसिटिक एसिड इन बोथ केसेस. एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर के अंदर यानी कि एसिड के तौर पर एक्ट करता है, वाइल इन अदर केसेस एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इन H2SO4 हेंस इट एक्ट्स एज अ बेस. क्योंकि आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ H2SO4. तो जब दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे एक सोल्यूशन के अंदर तो आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा बींग स्ट्रॉन्गर वो एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा एसिटिक एसिड को और एसिटिक एसिड आपके पास जो है वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा. तो उसके लिए आप इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं. इन द इक्विलिब्रियम आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर आपके पास चार कंडीशंस हैं, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज, कैटलिस्ट इज एडेड और क्लोरीन इज एडेड, यानी कि आपके पास फोर कंडीशंस हैं, आपने इसको डिस्कस करना है कि आपके पास क्या इफेक्ट है उनका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आपने क्या करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन एंडोथर्मिक है. सो आपके पास क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट को शिफ्ट करेगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो है ज्यादा रिएक्टेंट, आपके पास जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो जनरेट हो. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट टू प्रोड्यूस मोर PCl5. देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, देन कैटलिस्ट अगर ऐड करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, कैटलिस्ट ओनली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड करता है आपकी रिएक्शन रेट को. क्लोरीन अगर आप ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर तो आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि ये कंडीशन है, इनको आपने डिस्कस कर लेना. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आपने बताना है कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज. देन आपने बताना है कि हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम अफेक्ट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल टाइम टू टाइम. एज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द सिस्टम टू बैकवर्ड, डिक्रीज फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ NH3 को, डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. एज यू नो फोर वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि आपके पास रिएक्ट करके एक लोअर वॉल्यूम को जनरेट करें, उसके अलावा कैटलिस्ट आपका जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, द रिएक्शन विल प्रोसीड टू द फॉरवर्ड एंड वी गेट द मैक्सिमम यील्ड इफ वी रिमूव अमोनिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम दैट ऑफ द वेसल. देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास है कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, इसको आप प्रोड्यूस करते हैं बाय द बर्निंग ऑफ SO2 टू SO3 थ्रू एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस. आपने इसके लिए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन लिखना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज. फिर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बट स्टिल द टेम्परेचर ऑफ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके लिए आपने रीजन बतानी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि आपने प्रेशर इंक्रीज किया या वॉल्यूम डिक्रीज किया तो वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे स्टूडेंट्स हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में डिस्कस किया. द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बिकॉज एट हाई टेम्परेचर आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, यील्ड ज्यादा होगी और साथ में कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट ए को, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, व्हाई डू वी नीड देम इन डेली लाइफ. बफर सॉल्यूशंस के लिए आपने बफर सॉल्यूशंस को सबसे पहले डिफाइन कर लेना है, उसके अलावा टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, जिसको हमने डिफरेंस के तौर पर डिस्कस भी किया था अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर. आप बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, ह्यूमन ब्लड पीएच कैसे मेंटेन कर रहा है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हाउ डज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड गिव अस द एसिटिक बफर, यानी कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड आपको एसिडिक बफर कैसे दे रहे हैं. वीक एसिड और उसकी सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो, उसके लिए आपने क्या करना है, वैल्यूज जो है वो एड कर देनी है.
वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू 4.71 आएगी, जहां से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास किस तरह से एसिडिक बफर आ रहा है, पीएच से अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सी है, एक्सप्लेन दैट अ मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड H4Cl गिव अस द बेसिक बफर, क्योंकि जो पीएच है आपके पास वो आपके पास बेसिक साइड पे आ रहा है, दैट इज व्हाई आपके पास ये एक बेसिक बफर है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट डी है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सोडियम एसिटेट इन एसिडिक एसिड डिक्रीजेस द डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सो द पीएच इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, तो इसका रीजन आपके पास क्या है कि आपके पास जो एसिडिक एसिड है वीक एसिड है और बहुत कम आयनाइज करता है, यानी कि उसका एक्सटेंट काफी कम है, जबकि आपके पास जो सोडियम एसिटेट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज करता है वाटर के अंदर टू ग्रेटर एक्सटेंट एंड प्रोड्यूस एसिटेट आयंस। ये क्या करता है, आपके पास वाटर के अंदर आयनाइज होता है और एसिटेट आयंस जनरेट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो एसिटेट आयंस जनरेट होते हैं, ये आयनाइजेशन ऑफ CH3COH डिक्रीज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, जिसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, इसी वजह से उसका जो आपके पास पीएच है वो इंक्रीज कर जाता है। देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का ही पार्ट ई है, आपने बफर कैपेसिटी को डिस्कस कर लेना है, द अमाउंट ऑफ एसिड एंड और बेस व्हिच अ बफर कैन एब्जॉर्ब विदाउट बीइंग सिग्निफिकेंट चेंज ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज, तो उसको आप क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं, उसको आपने डिस्कस कर लेना है, एक्सप्लेन कर देना है और उसकी कुछ एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर लेना है। देन स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है। आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो एक्सप्रेशन है उनको मेंशन कर देना है, आपने जस्ट उसको डिफाइन किया तो एक एग्जांपल मेंशन कर देंगे, नहीं तो आपके पास क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं उनके अगेंस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन जो है वो आपने मेंशन कर देने, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये AgCl के लिए आ जाता है KSP वैल्यू, फिर Ag2CrO4 के लिए, आपके पास सिल्वर क्रोमेट के लिए, देन लेड क्लोराइड के लिए आपके पास, यानी कि आपने इस तरह से इनके एक्सप्रेशन मेंशन कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट बी, हाउ डू यू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादातर आपको ग्राम में मिलती है सॉल्यूट की, 100 ग्राम ऑफ वाटर, दीज 100 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी कंसीडर्ड एट 100 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आपके पास जो डेंसिटी होती है वाटर की वो तकरीबन 1 होती है, तो आप इन चीजों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। द फैक्ट बिहाइंड इज दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्यूट इज क्वाइट स्मॉल, फ्रॉम दिस we convert the solubilities to molar solubilities, number of mole of solute in 1 decimeter cube of solution, so from the balance chemical equation we find the molarity of each ion and then find ksp। to isliye aap kya karte hain ki balance chemical equation se molarity find out karte hain aur fir uske liye aap solubility product ki jo value se calculate kar lete hain। question number 18 ka part c hai ki aap kaise calculate karte hain solubility of the substance by सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसको देखते रहेंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे किस तरह से आप कैलकुलेशंस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द मेन रीजन इज दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी क्लोज टू यूनिटी, दैट इज वाई हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं एज आई मेंशन अर्लियर। स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहले आपने स्टेप्स हैं उनको अलग से मेंशन कर दिया गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे डिसोल्यूशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और आपने कंसंट्रेशन जो है हर आयन के अगेंस्ट लिखनी और उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। केसी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 0.016 एट 520 डिग्री सेल्सियस, आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन है उसका रिएक्शन मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके अंदर 0.08 मोलर आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, 0.01 मोलर आपके पास आयोडीन है, टू दिस मिक्सचर हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन आयोडाइड इज एडेड, सो न्यू कंसेंट्रेशन बिकम्स दिस। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन एंड आयोडीन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। तो आपने क्या किया, पहले आपके पास एक कंडीशन थी, इनिशियल कंसेंट्रेशन थी, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन थी, देन आपने अगेन इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दिया, तो आपके पास न्यू जो कंसेंट्रेशन आएगी वो ये आएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इक्वेशन मेंशन करके आपने इसकी जो न्यू कंसेंट्रेशन है उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, न्यू आपके पास जो कंसेंट्रेशन होगी उसके अगेंस्ट क्या होगी, आपके पास वैल्यू इसकी अगेंस्ट क्या, आपके पास पहले के इक्विलिब्रियम आया था जो कि हमने मेंशन कर दिया, देन अगेन है। अब आप क्या करेंगे, 0.096 माइनस 2x, यानी कि 2 मोल्स आपके पास चेंज हुए, देन आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयोडीन की जगह आपने मेंशन कर देना 0.01 प्लस एक्स प्लस 0.01 प्लस। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, के इस वैल्यू को जो टिपिकल आपके पास वैल्यू आई है हाइड्रोजन आयोडाइड के अगेंस्ट, आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है केसी की वैल्यू के अंदर। केसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 0.016 है, ये आगे केसी की वैल्यू। अब केसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट,
0.016 ये कैसी की वैल्यू है इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम ऊपर मेंशन कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट आपके पास आई है उसकी वैल्यू को हमेशा आप ऊपर लिखते हैं 0.01 प्लस एक्स इंटू 0.01 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.096 माइनस 2x कंसंट्रेशन, उसकी वजह से स्केयर हो जाएगा, स्केयर और स्केयर हो गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि दोनों की वैल्यू आपके पास हो गई स्क्वायर के अंदर, अब आप ले लेंगे इस पूरी प्रोडक्ट का अंडर रूट, अंडर रूट ले लिया 0.016 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास अंडर रूट में आ गई पूरी वैल्यू 0.01 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.096 माइनस 2x, तो अंडर रूट में वैल्यू आ गई, इसका भी स्केयर है आपके पास, यहाँ पे भी स्केयर है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का आपके पास वैल्यूज का हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट कर लेंगे 0.016 का, 0.016 इट विल कम आउट टू बी अबाउट 0.126, ये आ गई 0.126 और ये वैल्यूज आपके पास एज इट इज आ जाएंगी 0.01 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.096 माइनस 2x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसको आपने मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना ताकि आप x की वैल्यू जो है वो एक निकाल सकें, 0.126 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.096 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.01 प्लस एक्स, अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.126 मल्टीप्लाई बाय 0.01 के लिए वैल्यू होगी 0.0120 0.126 0.126 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 से यानी कि 2x से, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.252x इज इक्वल टू 0.01 प्लस x। अब स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास कि इस वैल्यू को हम दोबारा मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 0.0120 माइनस 0.252x इज इक्वल टू 0.01 प्लस एक्स। अब आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सेम वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे 0.0120 माइनस 0.01 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू जाके आपके पास हो जाएगी ऐड माइनस और यहाँ पे प्लस 0.252 प्लस एक्स 2x, अब 1 प्लस 0.252 इज इक्वल टू 1.252x, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे 0.0120 माइनस 0.01, ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ - 3, 2 × 10⁻³ - 3 आ जाएगी आपके पास वैल्यू 2 × 10⁻³ - 3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तकरीबन 0.123 इज इक्वल टू 1.252x। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए 0.002 डिवाइडेड बाय 1.252, इट विल कम आउट टू बी 1.597 × 10⁻³ - 3, इसको स्टूडेंट्स जब आप ओपन करके लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं 0.0016, यानी कि आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास ये x की वैल्यू आ गई स्पेसिफिकली, अब आपने क्या करना है कि हमने
इन वैल्यूज को अपनी उन वैल्यूज के अंदर पुट करना है जिनको हमने डिस्कस किया था। यानी कि स्टूडेंट्स हमने अब वैल्यूज निकालनी है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 0.096 माइनस 2 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू है आपके पास, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.0016 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए होगी। और आयोडीन और हाइड्रोजन के लिए जो आप कंसेंट्रेशंस के लिए जो आप कैलकुलेशंस करेंगे वो दोनों सिमिलर होंगी, तो आप किसी एक के लिए भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपके पास सेम आएगी वैल्यू। यानी कि आपके पास है 0.01 प्लस एक्स 0.0016, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सेम तरह की वैल्यूज आ रही होंगी। तो आपने इनको कैलकुलेट करना है, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या होगी कि इनकी डेफिनेट वैल्यूज आ जाएंगी जो कि आपके पास फाइनल इनके आंसर होंगे। सिंपल आपने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4। अ मिक्सचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल एसिटेट एट इक्विलिब्रियम स्टेज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम्स। ऑल्सो कैलकुलेट द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि केस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास है 4, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 3 है, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 है, मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम वो आपने कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड दैट आर लेफ्ट बिहाइंड वो कैलकुलेट करने हैं, अमाउंट ऑफ एसिड ग्राम्स यानी कि आपने तमाम जो वैल्यूज है ना उनको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे, एक्स की वैल्यू पता चलेगी, देन आपकी कैलकुलेशन होंगी। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं 3 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। केसी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। केसी की वैल्यू पुट की आपने न्यूमरेटर में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू मेंशन कर दी x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास जो रिएक्टेंट है उनको आपने डिनोमिनेटर में मेंशन कर दिया 3 माइनस एक्स और आपके पास आ जाता है 1 माइनस एक्स। ये आपके पास आ गई वैल्यूज। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इनको आपने 4 इज इक्वल टू एक्स के 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब आपने इनको सॉल्व करना है 3x, 3 माइनस x, 1 माइनस x, 1 माइनस x इज इक्वल टू x के। तो स्टूडेंट्स इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू तो आपके पास एक डेफिनेट जो है एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन पे आपने अप्लाई करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने एक्सप्रेशन पुट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि आपके पास प्लस और माइनस के अंदर जब आप करेंगे तो आपके पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी। एक आपके पास केसी की वैल्यू से एक्सीड करेगी, एक आपके पास आएगी 0.9। तो जो वैल्यू एक्सीड करेगी ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को वो आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी कि 4.43 की वैल्यू आपके पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है। आपने क्या करना है 0.9 मोल्स की वैल्यू ले लेनी है, यानी कि इतने मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट आपके पास आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम पे आपके पास कितनी है, इथाइल एसिटेट भी वैल्यू वही है और साथ में आपके पास वाटर की भी वैल्यू वही है जो एक्स की वैल्यू है, यानी कि आपके पास एक्स की कंसंट्रेशन के इक्वल है। देन आप क्या करेंगे कि आपने मास ऑफ इथाइल एसीटेट कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे कि आपने मास इन ग्राम्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल्स से, दैट इज 0.9। यहां पे आपने क्या करना है, इसको आपने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास कितने प्रोड्यूस हुए, वो भी आपके पास 0.9 प्रोड्यूस हुए। 0.9 प्रोड्यूस में मास ऑफ वाटर आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.9 से। देन आपने क्या करना है कि मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि पीछे रह गए उनको कैलकुलेट करना है। उनको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस 9 करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपके पास 3 माइनस इंटू 0.9 जो वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एसिटिक एसिड के फॉर्मूला से, यानी कि 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इथाइल अल्कोहल कितना रह गया आपके पास 1 माइनस 0.9, ये जो आंसर आएगा यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल है आपके पास 46, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पे आपके पास जो मास ऑफ इथाइल एसिटेट है 88 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 0.9 से, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपके पास 79.2 आंसर आ जाएगा, 79.2 ग्राम्स। देन मोल्स ऑफ वाटर 0.9 है, 18 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.9 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16.2 ग्राम्स की। देन 3 में से आपने माइनस करना है 0.9 को,
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.1। 2.1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 से, 60, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 126। 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.1 से, ये आपके पास 2.1 मोल्स, ये आपके पास आ गया 126 ग्राम, ये आपके पास एंड में रह जाएंगे। 1 में से आपने माइनस करना है 0.9 को, 0.9 को, तो आपके पास रह जाएगा तकरीबन 0.1। 0.1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 46 से, तो आपके पास पीछे रह जाएगा 4.6। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो है डेफिनेट आंसर जो है वो आ जाएगा। देन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, एक्सप्रेशन लिखना है केपी के लिए। केपी के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय हाइड्रोजन इनटू आपके पास प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय आपके पास प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय हाइड्रोजन बाय वेपर्स वाटर वेपर्स, देन आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सप्रेशन केपी के लिए लिख दिया। पार्ट बी है इसका स्टूडेंट्स, कि व्हेन वन मोल ऑफ स्टीम एंड वन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर अलाउड टू रिएक्ट इक्विलिब्रियम पे 33.3% ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज हाइड्रोजन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, स्टेट द यूनिट्स फॉर केपी। अब यहाँ पे ये आपके पास इक्विलिब्रियम पे ये आपके पास डेफिनेट इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है कि वन मोल ऑफ स्टीम थे आपके पास, वन मोल थे इनिशियल कंडीशंस पे, वन प्लस वन मोल ने रिएक्ट किया, पहले जीरो जीरो कंसेंट्रेशन थी आपके पास हाइड्रोजन की, अब आपके पास हो गई वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अब आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर केपी, और आपने केपी के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है क्योंकि आपके पास ये गैस फेज रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेज पे कितने थे आपके, उस सिर्फ पता है कि 33% थी आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर थी हाइड्रोजन की, उसके अगेंस्ट आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है। x डिवाइडेड बाय 2 हाइड्रोजन आपके पास है, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मोल्स के लिए करेंगे कैलकुलेशंस, 33.3 डिवाइडेड बाय 100, ये आपने किया आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, 33.3 को आपने डिवाइड कर देना 100 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.33, ये आपने कन्वर्ट कर दी वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, यही आपके पास हाइड्रोजन के अगेंस्ट वैल्यू है, यही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के अगेंस्ट वैल्यू है, दोनों के लिए 0.33 आ गई। अब आपने वाटर के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करनी है। फॉर वाटर 1 माइनस एक्स है, क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0.33, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.66 आएगा वाटर के लिए भी और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी। अब आपने जब केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपके पास वैल्यू है 0.33 इंटू 0.33, प्रोडक्ट्स पहले लिखेंगे, जब आपने जो रिएक्टेंट्स उनको आपने डिनोमिनेटर में मेंशन कर देना है 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.66, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो केपी की 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि एक्सप्रेशंस मेंशन कर दिए तो आपके पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10^-4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, पीएच के लिए आपने सिंपल इसका जो एक्सप्रेशन है डिराइव करना है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का, यानी कि आपने पीएच को कैलकुलेट करना है। अब इसमें वैल्यूज आप कैसे पुट करेंगे, माइनस लॉग आपके पास 10^-4 है, 10^-4 है, तो इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच आपके पास इसका आएगा 4। ये हमने सॉल्व कर लिया पार्ट ए। आगे चलते हैं पार्ट बी को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी है 10^-4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसने आपके पास सिंगल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिसोसिएट करने, दैट इज वाई हमने हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के अंदर कोई हमने कॉन्स्टेंट ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके पास वो किस तरह से डिसोसिएट होगा सोल्यूशन के अंदर। बेरियम के आयन्स बनेंगे और 2OH नेगेटिव, यानी कि 10^-4 आपके पास इसकी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बेरियम होगा और 2 × 10^-4 पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीओएच कैलकुलेट करेंगे, पीओएच की क्या वैल्यू आएगी आपके पास इसकी, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन 2 × 10^-4।
इसको आपने कर लेना है कैलकुलेट, 2 × 10⁴ है, इसको हमने कैलकुलेट करना है लॉग 2 × 10⁻⁴। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगी -3.69, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो ये पीओएच हो गए 3.69, ये पीओएच हो गया आपके पास। अब पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, पीएच प्लस 3.69 इज इक्वल्स टू 14, पीएच वुड बी इक्वल टू 14 माइनस 3.69 10.31, ये स्टूडेंट्स आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर आपसे किसी बेस का पीओएच पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन उसके अंदर ऐड हो रही है, तो आप पीओएच पहले कैलकुलेट करेंगे। अगर पीएच पूछा जा रहा है तो पीओएच कैलकुलेट करने के बाद आप पीएच दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। देन आपके पास पार्ट सी है, सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1 mol/dm³ ऑफ H2S विच इज ओनली 50% डिसोसिएटेड, H2X है, इसकी हम डिसोसिएशन देख लेते हैं कि 2H पॉजिटिव में हो रही है और X नेगेटिव में हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास 50% डिसोसिएटेड है ये डायबेसिक, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि 50% डिसोसिएटेड है तो हम 2 मोल्स की जगह इसका 1 मोल मेंशन करेंगे, यानी कि हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हम, अगर ये फुली डिसोसिएटेड होता तो 2 mol/dm³ लेते, लेकिन ये क्योंकि फुली डिसोसिएटेड नहीं है तो हम 1 mol/dm³ इसकी कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसका नेगेटिव लॉग जब कैलकुलेट करना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास वैल्यू इसकी हो जाएगी लॉग 1 की। लॉग 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है 0, ये आप याद करेंगे कि पीएच इसका हो जाएगा 0। देन आपके पास आ जाता है डी, डी में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1 mol/dm³ ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज 1% डिसोसिएटेड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 1% डिसोसिएटेड है, 1% डिसोसिएटेड है, तो इसके हम परसेंटेज निकालेंगे 1 × 1/100, तो ये 0.01 आएगी, या आ जाएगी आपके पास 10⁻²⁻²। अब आपने क्या करना है, पीओएच कैलकुलेट करना है। पीओएच की वैल्यू इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास माइनस लॉग आ जाएगा 10⁻²⁻², इसको आपने कैलकुलेट किया 2 log 10 आया, तो आपके पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 2। अब पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीओएच की वैल्यू 2 आ गई, पीएच प्लस 2 इज इक्वल टू 14, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, पार्ट ए है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए है, बेंजोइक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम बेंजोएट इन 1 mol/dm³ ऑफ 0.02। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि पीएच बताना है सॉल्यूशन का। अब उसके अंदर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, बफर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली आपने जो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन हमने डिस्कस की थी उसको आपने ऐड कर देना है। मैस आपको पता है सोडियम बेंजोएट का क्या है, आपने मैस और मोलर मैस के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं, तो आपको सॉल्ट और एसिड दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। के ए ऑफ बेंजोइक एसिड आपको ऑलरेडी नॉलेज में है, आपने क्या करना है उस के ए से पी के ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आपके पास 4.2 है। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आपने क्या करना है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, इसको आपने कर लेना है कैलकुलेट। अब स्टूडेंट्स पीके की वैल्यू 4.2 आ गई, प्लस लॉग आपने लेना है सॉल्ट की, आपके पास हो गई कंसेंट्रेशन 0.05, इसको आपने डिवाइड कर देना है 0.02 से, एसिड की नीचे होगी 0.02 से डिवाइड कर देना है। आप सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का आप ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को आपस में, डिवाइडेड बाय 0.02 2.5। अब इसका आपने लॉग ले लेना है, लॉग 2.5, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.39। 4.2 में आपने 0.39 को ऐड कर देना है, 4.2 प्लस 0.39, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 4.59, ये आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी।
देन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी है कि आपने क्या करना है, बफर सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, आपने अलग से नई वैल्यूज हैं आपके पास, पीएच आपने कैलकुलेट करना है, वो आपके सामने मेंशन है, जैसे हमने पुराने मेथड से मेंशन किया था कि सॉल्ट और एसिड को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखना है, वही आपने अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन इसको कैरी आउट करना है, पीएच आपने निकाल लिया। देन स्टूडेंट्स आपके पास दो कंडीशन है, अगर आप 0.1 मोल ऑफ NaOH ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो आपके पास एसिड और जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन में कैसे चेंज आएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH। स्टूडेंट्स हमने इसको कंसेप्चुअल वीडियोस में भी थॉरली डिस्कस किया था कि आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करती है, यानी कि ये आपके पास 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगी और ये जो 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे ये क्या करेंगे कि ये आपके पास 0.1 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन में उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या करेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन आपके पास डिक्रीज कर देंगे, जबकि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है आपके पास वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। हैंस आउट ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.4 मोल्स आर बिहाइंड, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके पास जो सोडियम एसिटेट है उसकी कंसंट्रेशन 0.2 से 0.3 मोल्स तक इंक्रीज हो जाती है। अब उसके लिए आपने पीएच की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है वो कुछ ऐसे करेंगे, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग आपके पास 0.3 आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास 0.4 आ जाती है वैल्यू। अब क्या करेंगे, आपके पास जो पीकेए है उसकी वैल्यू है 4.74 प्लस आपने इन दोनों को पहले डिवाइड कर देना आपस में, 0.3 सॉल्ट के लिए 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइड किया 0.75 आया, लॉग 0.75 ले लेंगे, लॉग 0.75 तो ये आपके पास -1.2 आ जाएगी वैल्यू, -0.12। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4.74 माइनस 0.12, इसको जब आपने सॉल्व करना है तो 4.62, यानी कि आपके पास जो पीएच है वो डिक्रीज हो गया अपॉन एडिशन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि एडिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ HCl क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है डिसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली, 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, देन इसी तरह एसिटेट आयंस आपके पास प्रोड्यूस होंगे, न्यू कंसंट्रेशन कैसे होगी, एसिटिक एसिड 0.6 मोलर, सोडियम एसिटेट 0.1 मोलर, उसकी वैल्यूज भी इसी तरह पुट करके आपने कैलकुलेट कर देनी है हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आपको रीजन बिहाइंड अच्छे से पता है कि आपके पास क्या है कि आपके पास ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और आपके पास जो सोडियम एसिटेट है यानी कि जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2.05 × 10⁻⁴ पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ksp, आपके पास Ksp के लिए जो वैल्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 है आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम के लिए होगी 2.05 × 10⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, फ्लोराइड के लिए जब कैलकुलेट करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.05 × 10⁻⁴ तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 2.05 4.1 × 10⁻⁴। ठीक है, ये आपने वैल्यू जब इसकी मल्टीप्लाई की तो आ गई आपके पास, अब आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसको देख लेना है कि आपने कैसे कैलकुलेट कर लेना है इसको, कैल्शियम के लिए 2.05 × 10⁻⁴, देन आपके पास 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो 4 है, 4.1 × 10⁻⁴ आ जाएगी वैल्यू, इसको आपने कर देना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.81 और आपके पास ये इसमें ऐड हो जाएगा तो आपके पास ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁸। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.05 मल्टीप्लाई बाय 16.81 34.46 34.46 × 10⁻⁴ माइनस
12 मोल क्यूब डीएम माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है। थैंक यू।